साड़ी पर जूस गिरा था और हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर विष्णु जी ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आज है तारीख 30 अगस्त 2020। तो दोस्तों अभी सुबह के बज गए 11 और अभी हम नहा धो के तैयार हो गए। तो दोस्तों जैसे मैं उठा तो मेरी आदत क्या है उठते यूट्यूब देखने की, तो जैसे मैं यूट्यूब देख रहा था तो मुझे एक वीडियो दिखाई थी जो यार के बार बार रिकमेंडेड में आ रही थी। तो मैंने उसे खोल के देखा तो उसके 1 वीक के अंदर 21 मिलियन व्यू थे और वो एक तरह से बहुत वायरल हो चुकी थी। और जब मैंने उसे सर्च किया तो उससे मीम कम्युनिटी ने भी बहुत वायरल कर रखा था। शायद विनोद के बाद ये सेकंड वीडियो होगी जो इतनी वायरल हो रही है अभी। तो दोस्तों जब मैंने सर्च किया तो मुझे इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली, तो मैंने सोचा यार आज की वीडियो क्या बना है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको इसी की वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि वीडियो क्या है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट देख ले, फिर मैं आपको वीडियो के बारे में पूरा बताता हूँ। दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो को। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। हाँ तो दोस्तों आपने वीडियो तो देख ली होगी, तो वीडियो के बारे में बताता हूँ कि विनोद के बाद सेकंड वीडियो ये है जो इतनी वायरल हो रही है। और दोस्तों जो ये कोकिलाबेन और गोपी और राशि का जो ये रोस्ट चल रहा है, ये वीडियो बनाई थी मिस्टर यशराज मुखाते जी ने, जो वीडियो किसी वीडियो का छोटा सा टॉपिक लेके उसे रिमिक्स करते हैं और उसके अंदर अपनी ट्यून डाल देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बेसिकली ओरिजिनली है साथ निभाना साथिया जो सीरियल आता था पहले, अब आता नहीं आता वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले आता था, जिसके अंदर कोकिलाबेन थी जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सासू माँ थी जो गोपी को ज़्यादा डरा के रखती थी। उसमें राशि थी जो अपनी माँ के कहने पर सारा काम करती थी, मतलब उसकी माँ जो कहती थी वो वही करती थी, घर में लड़ाई कराना जो भी कराना वो सब उसकी माँ के कहने पर होता था। उसकी माँ कहती अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम इस घर पर राज करोगी। तो उस रियल से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो इसे मिस्टर यशराज मुखाती जी ने वापस रीअपलोड किया है अपने कुछ टोन डाल के। तो दोस्तों हुआ क्या, ये वीडियो को ज़्यादा वायरल हो गई, हमारे मीम कम्युनिटी के पास पहुँची, तो उन्होंने इस पर बहुत सारे मीम्स बनाने शुरू किए और ये ट्रेंडिंग में आ गई। दोस्तों ये वीडियो इतनी चल रही कि अभी आप यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो या फेसबुक खोलो, आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो दोस्तों 2020 ऐसा है जो मीम कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक से भरा हुआ है। जैसे पहले विनोद आ गया और अब ये रसोड़े में कौन था, तो दोस्तों रसोड़े में कोई नहीं था, रसोड़े में गोपी बहू थी। तो उसमें होता है कि कुकर चढ़ाया होता है गैस पे, उसके अंदर चने डाले होते हैं, तो राशि उनको निकाल देती है और वो कुकर खाली कुकर होता है तो वो गैस पर चढ़ा चढ़ा फट जाता है। तो इसी के ऊपर बहस होती है और कोकिलाबेन पूछती है कि कुकर किसने चढ़ाया, उसके अंदर क्या चढ़ाया और रसोड़े में कौन था। तो ये इसे कुछ पटांग सी इस पूरी वीडियो के अंदर है, लेकिन अगर आप इसे ओरिजिनली सुनेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक तड़का लगा हुआ है टोन का जो सुनने लायक है। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मैं दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से इसे ज़रूर देख लिए। दोस्तों अगर आप वीडियो के अंदर नए हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था?